ओह माय गॉड भाई साहब, पठान मूवी में तो एक और एक्सटेंडेड कैमियो होने जा रहा है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिनों पहले यानी कि कुछ महीनों पहले ही ऋतिक रोशन के एंट्री सीन के बारे में बताया गया था कि पठान मूवी में ऋतिक रोशन भी होंगे, लेकिन इस खबर को नकार दिया था, मना कर दिया था कि ऋतिक रोशन का इस मूवी में कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ गाइस, फिर से बॉक्स ऑफिस पर रिपोर्ट के अनुसार हम आपसे बात कर रहे हैं। आज ही बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उसमें साफ साफ क्लियर कर दिया है कि वॉर भी यानी कि कबीर सिंह भी पठान मूवी में शामिल होंगे। जी हाँ गाइस, लेकिन उन कैमियो रोल होगा, लेकिन खासतौर अभी तक ये डिटेल्स सामने नहीं आए कि सिर्फ और सिर्फ उनके पठान मूवी में कोई ना कोई वॉइस एडिटिंग की जाएगी या फिर कोई ना कोई रोल प्ले अदा करेंगे कबीर सिंह यानी कि ऋतिक रोशन पठान मूवी में। सो आप कितने एक्साइटेड हो और पठान मूवी में क्या ऋतिक रोशन आने चाहिए? अगर आएंगे तो कितना बड़ा धमाका होगा, कितना बड़ा कांड होगा। जी हाँ गाइस, तो आप समझ ही सकते हो जब ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और सलमान खान तीनों का कैमियो यानी कि तीनों की बॉन्डिंग एक ही मूवी में होगी तो कितना बड़ा बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन करेगी, कितना बड़ा धमाका होगा, कितना बड़ा यानी कि सोच नहीं सकते गाइस। इतनी बड़ी खबर दर्शकों से यानी कि अपने फैंस से छिपाया जा रहा है शाहरुख खान के द्वारा, यानी कि पूरा बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने की मांग बताई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मूवी कि जो अपडेट हमें सामने मिले कि ऋतिक रोशन इस मूवी में कैमियो रोल करते हुए नजर आएंगे, ये बात सच है या फिर कोई झूठ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों कि ऋतिक रोशन वापस पठान में होने चाहिए।